मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। हम आए हैं चेयरमैन साहब के गांव में, जो बभनान के चेयरमैन हैं, वार्ड नंबर एक। आप लोग जैसा कि जानते हैं अंबेडकर नगर है चेयरमैन साहब का गांव, और हम कहेंगे यहां आके एक बार देखें, कारीगर है उनको भी आना चाहिए, देखना चाहिए। आप जैसा कि देख रहे हैं मंदिर होगा आपको यही बगल में। आप लोग जा रहे थे ऐसे चेयरमैन का, हम सोचे गाँव देख लें कि चेयरमैन अपने गांव में भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बभनान चेयरमैन साहब, एक नाली है आपके घर से निकलती हुई, मैं चेयरमैन का घर भी आपको दिखाऊंगा। जैसा कि लोग बता रहे हैं यहां पे कि चेयरमैन का वो घर है, उस घर के पास से नाली होते हुए गुजरती है, आप उस नाली को देखेंगे। हम कहेंगे मीडिया कर्मी से एक बार दिखाएं यहाँ पे कैमरामैन से कि यहाँ से लेके वहां तक वो नाली है, और फिर हम कहेंगे और भी चले आए दिखा दें आपको, दिखा सकते हैं हम। और ये नाली यहाँ से लेके, और आपको कैमरा जहाँ तक भी दिख जाएगा, ये नाली यहाँ से लेके और चेयरमैन के घर से उस पार तक आपको भटी हुई नाली मिल जाएगी। हमको नहीं लगता है कि अगर ये नालियाँ साफ होती होती तो ये सारे यहाँ पे कम से कम पेड़ तो नहीं उगते। अगर पेड़ नहीं उगता तो जाहिर सी बात है नालियाँ साफ होती। अगर चेयरमैन के गाँव का ये हाल है, उनके घर के सामने का ये हाल है, तो पूरे नगर का क्या हाल होगा बभनान के, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यही बगल में मंदिर था, जो भी चाहे उनके घर का पर्सनल मंदिर रहा हो या इस गांव का मंदिर हो, जो भी हो, लेकिन मंदिर के जस्ट बगल से नाली जा रही है, कोई नाली पे ढक्कन नहीं है, और पूरी एक भी नाली वहां से लेके यहाँ तक साफ नहीं है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हम कहेंगे इनको कैमरामैन साहब को कि जूम करके एक बार दिखा दें, ये हालत है बस्ती जो आपके बभनान के चेयरमैन साहब हैं, वहाँ अगर हमको कोई मिलता है चेयरमैन साहब से एक बार, अगर उनके यहाँ से, तो ज़रूर बात करते हैं। फिलहाल मैं उनके गांव पे आया था, और चेयरमैन के घर का भी अभी आपको हाले बदसूरत आपको दिखा सकता हूँ मैं चल के, लेकिन पूरे बभनान का क्या कोई भला करेगा जो अपने गांव के अपने बगल अपने घर के सामने की नाली साफ नहीं करवा सकता। हम इसको डंके की चोट से कह सकते हैं, तो उसका क्या भला करेगा पूरे नगर का। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसको देख रहे हैं, पूरी रिपोर्टिंग देखिए, अगर आपको समझ में आए, जो भी समझ में आए वो आप अपने हिसाब से उसका डिसीजन दीजिए। अभी आप बता दें, इस जगह पे हम जो आए, इस गांव में एक भी व्यक्ति इस चीज को बोलने को राजी नहीं है कि चेयरमैन साहब के बारे में सही या गलत कुछ भी बोल दें, वो बोलने के लिए राजी नहीं है। कैमरे पे कोई भी यहाँ नहीं बोल रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये चेयरमैन का गांव है। आपको एक बार ध्यान से सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, ये चेयरमैन सईद खान साहब का गांव है जो बभनान में पड़ता है। इस आप इसको एक बार हम कहेंगे कैमरा में पूरा दिखाएं भाई, अगर कहीं ना कहीं लोग बात सोचते हैं कि मेरा अगर कहीं बेटा पढ़ लिख के कोई किसी पोस्ट पे जाएगा तो वो हमारे ग्राम सभा का, हमारे माँ बाप का और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, लेकिन यहाँ तो चेयरमैन साहब, चेयरमैन एक नहीं दो नहीं, ये तीसरी बार है, तीसरी बार चेयरमैन साहब को चेयरमैन बनना है, और उनके जो घर के सामने से नाली जा रही है उसकी तक व्यवस्था उनके बस की बात नहीं हुई कि चेयरमैन साहब कम से कम इस नाली की भी व्यवस्था करा पाए। आप लोग देख सकते हैं कि ये चेयरमैन साहब के घर के सामने से होते हुए ये नाली गुजर रही है। हम कहेंगे कैमरामैन से एक बार यहाँ से आके और पूरा इसको दिखाएं, ये चेयरमैन साहब का गांव है। चाची ये चेयरमैन का गांव है ना, है ये गांव जो है चेयरमैन साहब का है। हाँ, चेयरमैन है। कौन से चेयरमैन के? अरे सईद सईद अहमद, बोलेंगे नहीं भाई। आप देख सकते हैं, ये इन्हीं की बात नहीं है, ये पूरे ग्राम सभा की बात है। पता नहीं चेयरमैन साहब का खौफ है या चेयरमैन साहब की पता नहीं क्या चीज है, लेकिन चेयरमैन का नाम सुनते ही लोग अभी भी 21वीं सदी में भी अपने घर में चले जा रहे हैं, चेयरमैन के नाम से वो कुछ बोलने को राजी नहीं है। लेकिन फिर भी हमने आपको जो हकीकत थी, आर्यन टीवी यहाँ जीरो ग्राउंड पे आप लोगों को हर एक चीज दिखाया। ये सईद अहमद खान साहब के गांव की बात है, ये वार्ड नंबर एक की बात है, ये बभनान का वार्ड नंबर एक है अंबेडकर नगर,
वार्ड नंबर एक चेयरमैन साहब फिर से कहेंगे आपको कि यही चेयरमैन साहब हैं जिसका ये घर है सामने, और घर के सामने से ये नाली गई है, यहाँ तक की ये व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। आप देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप।